Hi guys, what's up? So I'm going to discuss one of the most important topic that is related to upcoming prelims examination 2020 and other state services and central services examinations. So this topic is very much important for examination. Okay, so my the first topic is the St. Mary Island. Okay, why this isn't new recently, but the Geological Survey of India has nominated two sites in India for the first time global geopark status. क्या किया गया है कि भाई Geological Survey of India है GSI जिसको हम बोलते हैं, जो कि generally क्या किससे related है कि किस क्या nominate किया गया, two sites of India की दो जो sites हैं उसको global geopark status का दर्जा क्या किया गया, provide किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट है लूनार लेक. ये कहाँ पर, कहाँ प्रेजेंट है लूनार लेक, इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र. एंड सेंट मेरी आइलैंड इज लोकेटेड इन द कोस्टल ऑफ कर्नाटका, दैट इज मालपे बीच. ओके, सो दीज टू को क्या स्टेटस दिया गया है, ग्लोबल जियोपार्क स्टेटस. सो ग्लोबल जियोपार्क स्टेटस में क्या होता है, इसमें क्या है कि एक यूनेस्को का ये नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है जियो पार्क का, जिसमें इनके वेबसाइट्स मेंटेन की जाएगी, कोई भी डैमेज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी अलग तरीके से. एंड सो मैनी फैसिलिटीज टू प्रोवाइड दीज दैट विल कम अंडर द ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क. सो मैनी फंडिंग एंड अदर रिलेटेड मीन्स टू रिकंस्ट्रक्शन रिपेंटिंग सिचुएशन में भी ये क्या करेगा. सो हियर व्हाट इज द सेंट मैरी आइलैंड, व्हाई दिस इज इन एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस नेटवर्क. सो ये क्या है कि रेनॉर्ड फॉर इट्स फर्स्ट यूनिक हेक्सागोनल कॉलम्स ऑफ बसाल्टिक लावा. ये क्या है, हेक्सागोनली सिचुएटेड है, किस बसाल्टिक लावा, कॉलम वाइज हेक्सागोनली क्या है, बसाल्टिक लावा के बीच में ये एक आइलैंड है. ओके, किसमें, मालपे बीच है कर्नाटका में, उसके कोस्ट पे. दिस प्रिस्टाइन लिटिल आइलैंड इज बिलीव टू हैव बीन ए हॉल्ट फॉर वास्को डी गामा ड्यूरिंग हिज जर्नी टू केरला. ओके, सो दैट्स व्हाई इट केम इन न्यूज, बिकॉज नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स ऑफ इंडिया, ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट भी थी जो 1979 में इसको डिक्लेयर किया गया था. ओके, सो ऐसे ही वन अदर है, लूनार लेक इज एन एंशियंट सर्कुलर लेक क्रिएटेड बाय अ मेट्रोइड स्ट्राइक इन द महाराष्ट्र. क्या होता है कि मेट्रोइड था, उसके स्ट्राइक से क्या हुआ था, वहां पे एक जमीन जो थी नीचे धस गई थी, उसकी वजह से एक लेक क्रिएट हुआ था, that is called the lunar lake. So it is the only non-metroid create in basaltic rock. ye only lake hai india mein jo kya hai basaltic rock se create hua hai. So lunar create become the geo heritage site 1979. isko bhi geo heritage site kab darja mila tha 1979 mein. similarly saint mori island ko bhi 1979 mein geo heritage site ka kya diya gaya tha, दर्जा मिला था. इट इज द रिलेटिवली यंग जियोलॉजिकल एट जस्ट 50,000 ईयर ओल्ड ओनली. और नाउ अभी क्या किया गया था, इसको ग्लोबल जियोपार्क स्टेटस का क्या मिला, टैग मिला हुआ है दोनों को. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट बोर्ड, सेंट मेरी आइलैंड एंड लूनर लेक. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नारायण मल्हार जोशी. सो दिस इज अ लीडर, इज द इट्स इंडियन ट्रेड यूनियन लीडर. ठीक है, अभी रिसेंटली ट्रेड यूनियन वॉज इन न्यूज, सो कंटिन्यूसली सो मैनी मीन्स द डिस्कशन गोइंग ऑन इन द न्यूज पेपर. सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट, ट्रेड यूनियन क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस क्या है. ये ट्रेड यूनियन के लीडर थे नारायण मल्हार जोशी. सो स्टार्टेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1921 अलॉन्ग विद द लाला लाजपत राय. तो नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था 1921 में विद लाला लाजपत राय के साथ. 1911 जोशी एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सोशल सर्विस लीग. एक और इन्होंने
ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी जिसको हम कहते हैं सोशल सर्विस लीग। ये किसके लिए थी? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, ओके, फॉर द सोसाइटी, मीन्स सोशल सर्विसेज फॉर द सोसाइटी लाइक वुमन, लाइक चाइल्ड, सो अदर मीन्स डिप्रेस्ड क्लास पीपल ऑल्सो। सो इट वन ऑफ द पायनियर इन द मॉडर्न इंडियन सोशल वर्क। ये एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय के, सोशल वर्क के लिए जाने जाते थे, और ये गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे? फॉलोवर थे। उसी समय ज्ञान प्रकाश एक पत्रिका थी, मराठी डेली पत्रिका ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो भी यही मैनेज करते थे। ठीक है, इन्होंने एक और स्टार्ट की थी मराठी वीकली, जिसको हम बोलते हैं कमागर समाचार। ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? कमागर समाचार। सो व्हाट इज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया। इट वॉज फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर 1920 विद लाला लाजपत राय एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट इन बॉम्बे। ओके, एंड अदर जोसेफ बाप्तिसा, एन एम जोशी, दीवान चमनलाल, दीज आर द मेंबर ऑफ दिस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। सो दैट्स वाई दिस ट्रेड यूनियन इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर फॉर द अपकमिंग एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन, एनी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो रिमेंबर गाइस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। सो रिसेंटली इन 2019 इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट has came, this क्या था? Forest Survey of India, Indian State of Forest Report 2019, biennial publication of FSI, मतलब Forest Service, Forest Survey of India का biennial एक document है, जो कि कौन organize करता है? Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India का जो ministry है, कौन सी? Climate Change related, Forest and Climate Change related, वो इस फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट को क्या करता है? फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसमें क्या हुआ था कि सम चेंजेस के, भाई कहीं ग्रीनरी इंक्रीज हुई है, कहीं कई स्टेट में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, कई स्टेट में फॉरेस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कहीं डिक्रीज है। ऑल एवरीबडी नो कि भाई मध्य प्रदेश ऑलवेज इन द फर्स्ट स्टेट वेयर इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर present in India here, okay? Similarly, so recorded forest क्या है? Recorded forest हम कैसे define करते हैं इसको? This is actually the comprises of reserve forest and protected forest which has been constituted under the provision of Indian Forest Act 1927, okay? So forest cover are used at SFR, State Forest Report refers to all land more than 1 hectare in area, okay? And having tree canopy density more than 10%. So remember, जहाँ पे क्या है forest cover क्या define किया जाता है कि 1 hectare area से ज्यादा हो और 10% canopy present होने, tree canopy present होने, greenery जिसको हम कहते हैं वो present होना चाहिए। The term forest area denoted the legal status. ये क्या है? Government of India के records में forest area का क्या है? एक मतलब noting है उनकी के लीगल स्टेटस है कि लैंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई एज पर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रिकॉर्ड्स कि दिस लैंड कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एरिया। वेयर इज द टर्म फॉरेस्ट कवर? इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ट्री ओवर एनी लैंड। फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं? कि कोई भी हो जहां पे ट्री प्रेजेंट हो उसको हम फॉरेस्ट कवर बोला जाएगा। सो हियर विद इन डेंसिटी लेस देन 10%, ओके, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड forest area have vegetation cover on it, yet there is blank and area with density less than 10% within it. So recorded forest area may or may not have forest cover. Definitely कि जरूरी नहीं forest cover में। हमने क्या बोला था कि indicate presence of the tree over any land, ये forest cover में होता था। ऐसा जरूरी नहीं कि recorded forest में ऐसा हो कि भाई कि tree वहाँ पे present हो तभी हम उसको forest recorded forest area हम बोलेंगे, ऐसा नहीं। जो कि legally लीगली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो क्या होना चाहिए? लैंड का प्रेजेंट होना चाहिए, उसको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग के टॉप 5 स्टेट थे जहाँ पे क्या हुआ है फॉरेस्ट कवर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें से क्या कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश।
फर्स्ट स्टेज है कर्नाटका, जहाँ इंक्रीमेंट हुआ, अरुणाचल प्रदेश है, केरल है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है. सो देयर हैज बीन अ डिक्रीमेंट ऑल्सो, डिक्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टू द एक्सटेंट. सो फर्स्ट एक्सेप्ट असम एंड त्रिपुरा, ऑल द स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सो डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर. सो यू कैन सी हियर के पहल क्या हुआ, इनका डिक्रीमेंट हुआ है. कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिक्रीमेंट हुआ है. किसका डिक्रीमेंट हुआ है? फॉरेस्ट कवर का. सो यही क्या है कि सम इंक्रीमेंट टोटल एरिया, पहले क्या था कि भाई 24.39%, अब ये इंक्रीमेंट होके क्या हुआ 25.56%. सो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर इंक्रीजेज इन आवर कंट्री. ओके, सो ऑलवेज यू शुड बी रिमेंबर मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इट्स ऑल टाइम देयर देयर इज अ हाइएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. सम यू कैन से मतलब शार्पेस्ट डिक्लाइन कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हुआ है, तो रिमेंबर हियर अरुणाचल प्रदेश जहाँ के शार्पेस्ट डिक्रीमेंट हुआ है. उसके बाद आपका आता है मणिपुर, उसके बाद आता है मिजोरम. यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है किसका? फॉरेस्ट कवर का. सो रिमेंबर रखना ये फर्स्ट फैक्ट ये है, 25.56% हुआ है. कौन कौन से स्टेट में इंक्रीमेंट हुआ है, कौन कौन से स्टेट में डिक्रीमेंट हुआ है, क्या कंडीशन है फॉरेस्ट कवर की, किसको हम मानते हैं कि भाई ये फॉरेस्ट रिकॉर्ड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट बेस्ट कॉरिडोर. ओके, सो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स लॉन्च्ड दिस कॉरिडोर. कितना किलोमीटर का? 7300 किलोमीटर ऑफ 4 and 6 लेन एक्सप्रेस वे एसोसिएटेड विद श्रीनगर, कन्याकुमारी, कोची, पोरबंदर एंड सिलचर. सो यू कैन रिमेंबर हियर दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और दिस इज बेस्ट और दिस इज ईस्ट. सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यू कैन से 400 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर यू कैन. सो फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होगा श्रीनगर से. श्रीनगर से स्टार्ट होगी कन्याकुमारी. कन्याकुमारी तक ये 4000 किलोमीटर लॉन्ग कवर्ड. दिस कॉरिडोर विल बी कवर अप टू द 4000 किलोमीटर. सेम लाइक बेस्ट और ईस्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 3300 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट कवर. ये कॉरिडोर स्टार्ट फ्रॉम पोरबंदर गुजरात टू द सिलचर ऑफ आसाम अप टू दिस. सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट. मीटिंग पॉइंट ऑफ टू दिस कॉरिडोर इज द झांसी इज द जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का. झांसी क्या है? जंक्शन है. सो इट इज द लार्जेस्ट ऑन गोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन द इंडिया. इट इज द सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट कि भाई जो नॉर्थ साउथ है कौन कौन से NH मतलब नेशनल हाईवे से क्रॉस हो रहा है, वो क्या है? नेशनल हाईवे 44 है और नेशनल हाईवे 544 है. 44 में श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू, जलंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नरसिंहपुर और लखनदौन, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, सलीम और लास्ट क्या है? कन्याकुमारी, मदुरई और कन्याकुमारी तक. ऐसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तो NH 27 से पास हो रहा है. सो लार्जेस्ट क्या है? ये लार्जेस्ट ऑन गोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द CNG एंड PNG. CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये किस लिए जनरली यूज होता है? कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एयर से हल्का होता है, इट्स द लाइटर देन एयर. सो यू कैन से दैट मेजर गैस इसमें कौन सी होती है? CNG में मेजर गैस होती है मीथेन. ओके, तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड इन द व्हीकल कंप्रेस्ड फॉर्म. मेजर गैस क्या है? मीथेन. इट ऑल्सो कंटेन अदर हाइड्रोकार्बन इन माइनर परसेंटेज. सल्फर और ऑडोरेंट इज मिक्सड इन CNG इज डिटेक्टेड एनी लीक. अगर कोई भी लीक हो तो सल्फर को डिटेक्ट कर लिया. इसका एडवांटेज देन LPG क्या है कि ये lighter than air, so dissipates in air if any leakage occur. So इसमें क्या है कि ब्लास्ट होने के क्या है
कंडीशंस कम हो जाती, ब्लास्ट होने की सिचुएशन जो हो जाती होती है कम होती है। वैसे ही अगर हम इसकी हम बात करें एलपीजी, क्या है एलपीजी के मतलब नॉट अ लाइटर देन एनी सीएनजी एंड एनी अदर गैस। जो एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ओके, सो यू रिमेम्बर टू थिंग्स इन एलपीजी, व्हाट, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सो पीएनजी क्या है, जस्ट सिमिलर टू सीएनजी, इट्स सिमिलर टू सीएनजी, जस्ट पाइपलाइन नेचुरल गैस। यू कैन से कि अभी घरों में क्या रहे, पाइप के थ्रू गैस को पहुंचाया जा रहा है। सो ओनली डिफरेंस इज दैट सप्लाई थ्रू द पाइपलाइन फॉर हाउस होल्ड यूज, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑप्टर्निंग सीएनजी इज फ्रॉम ऑयल वेल, वेल्स वगैरह से जो कुएं होते हैं, बैड मीथेन वेल्स और कोल वेल्स और इवन नेचुरल गैस वेल से भी इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसको, सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी इज द वन ऑफ द मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ता भी पड़ता है आपको अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव या कहीं पे भी जाते हैं तो। ये क्या है, फ्यूल से, पेट्रोलियम और डीजल फ्यूल से ये क्या सस्ता भी पड़ता है, लो पॉल्यूटेंट होता है, रिमेम्बर दिस, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिकली एंड अवेलेबल एंड अबंडेंट एंड ग्लोबली। यूज ऑफ सीएनजी एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर रिच एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। एग्जिस्टिंग पेट्रोल व्हीकल कैन बी यूज सीएनजी बाय इंस्टॉलिंग ए बायोफ्यूल कन्वर्जन किट एंड कन्वर्टेड व्हीकल्स विल हैव द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग ऑन सीएनजी और पेट्रोल। ओके, सो आई रिमेम्बर दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पी एन जी एंड सी एन जी। पी एन जी और सी एन जी क्या है, सिमिलर है, बस हम पाइपलाइन नेचुरल गैस को पी एन जी बोले, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम क्या, सी एन जी बोल रहे हैं, उसको ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज करते हैं, पी एन जी को हम हाउस होल्ड यूज के लिए क्या करते हैं, यूज किया जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू अदर वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉलेज सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये क्या है, एक मतलब नॉलेज सपोर्ट है, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट्स प्रोवाइड किया जाता है किसको, साउथ एशियन कंट्री को, जो कि क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या है, पार्टनर हैं ये। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एशिया डेवलपमेंट बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड कराती है बहुत सारी कंट्रियों को जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर कोई अदर थिंग्स में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते, उसको ये लोन प्रोवाइड कराती है। सो $2 million provided to the knowledge support and technical assistance to 6 South Asian countries, जो कि कितने, पाकिस्तान के पार्टनरशिप है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें क्या गया है कि भाई KSTA will facilitate development of solar energy at a scale of by 3+ इसमें इनमें प्रोवाइड किया है कि भाई knowledge support and technical assistance जो है किस किस में आपको इंप्रूवमेंट करना। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट पाइपलाइन, तो मैं आइडेंटिफाई करना है और डेवलपमेंट कैसे करना है सोलर प्रोजेक्ट पाइपलाइन। दूसरा आइडमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोबिलाइजेशन और लो कॉस्ट फाइनेंस। हमेशा ही हमें क्या कर, किसको हमें इम्पोर्टेंट देना है, लो कॉस्ट को, ना लो कॉस्ट फाइनेंस को देना है। एंड नॉलेज सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हमें नॉलेज प्रोवाइड कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है किसकी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि अब यही एक ऐसा सोर्स है जो कि कभी खत्म होने वाला सोर्स नहीं है सोलर एनर्जी। यू कैन जनरेट बाय द हेल्प ऑफ द, वी कैन से कैडियम लेड लाइक प्लेट, थ्रू दिस दे कैन, दिस प्लेट विल एब्जॉर्ब द लाइट्स फ्रॉम द सन एंड स्टोर देयर। इफ यू आर गोइंग टू यूज द इन्वर्टर देन इट विल convert to the electricity, okay, then other source also it can be used, okay. So now I'm going to other important topic, that is called the 42 action point. This is remember for what, किसके लिए है ये important, ये national air quality index के लिए हम ये इस action point को use किया जाता है generally। तो क्या है, central pollution control board has issued a comprehensive set of directions under the एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन 1986 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 42 मेजर टू मिटिगेट द एयर पॉल्यूशन इन मेजर सिटी लाइक NCR एंड दिल्ली, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड NCR। पहले ये NCR के लिए था, अब जनरली नॉन अटेंडमेंट सिटी के लिए इसको क्या कर दिया गया है,
अलाउ कर दिया. नॉन अटेनमेंट सिटी क्या होती है, आर दोज दैट हैव फॉल इन शॉर्ट ऑफ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ओवर 5 ईयर. 5 ईयर से ये क्या कर रहा है कि NAAQS को फॉलो नहीं कर पा रहा है. पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है इन सिटियों में. वहां पे हमें ये 42 एक्शन पॉइंट को क्या करना है, अप्लाई करना है, जाके वी कैन इम्प्रूव अवर एयर क्वालिटी सिचुएशन को हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. डायरेक्शन कंटेंट 42 एक्शन पॉइंट विच वॉज इशूड इनिशियली फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन NCR वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू स्टेट बोर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन अदर नॉन अटेंडमेंट सिटी. ओके, अदर नॉन अटेंडमेंट सिटी को भी लिए, के लिए भी इसको क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है अपार्ट फ्रॉम NCR. तो मैं आपको पता ही है कि भाई कई गैसेज जैसे PM 2.5, PM 10 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की जो गैस हैं जो कि लेवल है कि क्या क्या फाइंड करती हैं, दैट्स फाइंड द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम इन गैसेस का या फिर इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, जाकि हम पॉपुलेशन को कम कर सकें, वो पॉल्यूशन को हम कम कर सकें, एयर क्वालिटी को क्या हम कर सकें, इंक्रीज कर सकें. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC. नाम से आप समझ सकते हैं पेट्रोलियम प्लानिंग क्या कहते हैं. पेट्रोलियम्स को हमें क्या करना है, प्लान करना है और एनालाइज करना है. इसका ये जो एनालिसिस सेल है, जो PPAC है, ये लोकेटेड कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. इसका इसका हेडक्वार्टर, मतलब यू कैन से डिस्कशन सेल जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में. ये एडमिनिस्ट्रेट द सब्सिडीज ऑफ द केरोसिन एंड डोमेस्टिक LPG एंड फ्राइड सब्सिडी फॉर फ्रंग एरियाज. गॉट इट, PDS केरोसिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केरोसिन एंड डोमेस्टिक LPG के लिए ये क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है इसको कि क्या सब्सिडीज किसे देनी चाहिए किसे नहीं देनी चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन डेटा बैंक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टू डील विद इमरजेंसीज एंड अनफोर्सिन सिचुएशन. ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा को, इंफॉर्मेशन डेटा मतलब जो डेटा है इंफॉर्मेशन का वो क्या करता है, ये मेंटेन करता है इसको. और क्या करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम टू डील विद इमरजेंसी एंड अनफोर्सिन सिचुएशन. अगर कोई ऐसी मतलब कोई कैलेमिटी लाइक सिचुएशन आती है या फिर सम अदर कंडीशन दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द सोसाइटी, सो उस समय क्या करेगा, ये मेंटेनेंस और इंफॉर्मेशन डेटा को कम्युनिकेट करेगा बिटवीन द मेंबर. और ये क्या करता है, एनालाइजिंग द ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट. इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है वहाँ क्या करेगा, इसके ट्रेंड को एनालाइज करे कि भाई दाम क्यों बढ़ रहे हैं, व्हाट्स द रेट, व्हाई फॉलिंग द रेट ऑफ द ऑयल प्राइजेज, व्हाई इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द ऑयल प्राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक प्राइस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए उसका, ठीक है. एंड फोरकास्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ पेट्रोलियम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी क्या करता है, एनालाइज करता है, फोरकास्ट करता है, ठीक है. ऑपरेशनलाइजिंग द सेक्टर स्पेसिफिक परचेज स्कीम इफ एनी. अगर कोई ऐसी स्कीम है तो उसको भी क्या करेगा, यही सेल क्या करेगा, ऑपरेशन में लाएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ब्लू रिवॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी क्या किए हैं, फंडिंग को अप्रूव किया है यहाँ पे. अब देखिए ये क्या है, इस फंड के थ्रू टू इम्प्रूव द फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज सेक्टर एंड ऑगमेंटेड द फिश प्रोडक्शन टू अचीव द टारगेट ऑफ 50 मिलियन टन्स बाई 2020 सेट अंडर द ब्लू रिवॉल्यूशन. ब्लू रिवॉल्यूशन में ये टारगेट सेट किया गया कि भाई इतने टन तुम्हें फिशरीज का व्यापार करना है. बिसाइड द FIDF एम टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ 8-9%. ये क्या करना है, ग्रोथ भी करना है. इन अ मूव टू ऑगमेंट द कंट्रीज फिश प्रोडक्शन टू लेवल ऑफ अबाउट 20 मिलियन टन्स बाई 2022-23. 2020 तक 15 मिलियन टन, इम्प्रूव अगेन 20 मिलियन टन फॉर 2022-23. सो द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इंटेल एंड
एंड एस्टिमेट फंड ऑफ साइज कितना, 7,000 crore अप्रोक्सीमेट, कंप्राइजेस 5,000 crore टू रेज द नोडल लोनिंग एंटिटी एंड 1,306 crore बेनिफिशरी कंट्रीब्यूशन एंड 939 crore बजटी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो बहुत सारे क्या कहें फंडिंग को यहाँ क्या किया गया है, क्या अप्लाई किया गया. सो वाई एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू मीन्स गिवन सच ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू द दिस फिशरीज डेवलपमेंट, बिकॉज इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ द फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वी कैन एक्सपोर्ट द फिशरीज फ्रॉम अवर लैंड टू अदर कंट्री एंड वी कैन अर्न द मनी फ्रॉम देयर. सो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एजेंसी है वो, जिसमें क्या क्या आता है, नवार्ड है, जो नवार्ड भी मीन्स फंडिंग प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस वन, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, NCDC एंड ऑल शेड्यूल बैंक है. ये क्या करेंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन को एनहेंस करने के लिए इंडिया में फंडिंग प्रोवाइड करेगा, ओके, थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड क्या किया गया है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को अप्रूव किया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द मरीन एंड इनलैंड फिशरीज को. ओके, सो गाइस दिस इज द important, very very important topics for upcoming any examination. So remember, or please guys, share these video to your friends and subscribe and give me a current so I can improve myself also and or jyada se jyada aur video main bana sakunga aapke liye. So guys, thank you.